किताब रोटी है, कपड़ा है मकान है। पिता वो नन्हे से परिंदे का बड़ा सा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राज है। पिता से माँ की चूड़ी भिंडी सुहाग है। पिता है तो बच्चों के साकार में सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। प्रसिद्ध लघु नाटिका दुराशा के द्वारा हम आप सभी सुदीर्घ दर्शकों के मन को छू लेने का विनम्र प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि एक पिता की भावना उसके बेटे परिवार ये क्या होती है आप उसे अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो आइए प्रस्तुत है लघु नाटिका दुराशा। वीरा मार्जी गांव से उनकी बेटी बहू के बहुत आग्रह करने पर शहर आए हैं और पांचवी मंजिल पर चढ़ते चढ़ते उनकी हालत बेहाल हो चुकी है और उनकी सांसें फूलने लगी हैं। तो आइए इसके आगे का वृतांत हम सब मिलकर देखते हैं। क्या बात है पिताजी, कुछ परेशान है? नई जगह है ना, शायद इसलिए। आप बैठिए, मैं आपको पक्का कर देता हूँ। भाई तेरा घर तो आसमान से नीचा, कहाँ हमारा गांव का घर और कहाँ तुम्हारा आधुनिक सुधार से सुसज्ज महानगरीय किला। भाई हम गांव वालों का रिश्ता मिट्टी से ऐसा होता है जैसे कि माँ का बेटे से धरती की गोद और आसमान का छाया। अब यहाँ कैसा लग रहा है जैसे ना धरती अपनी है और ना ही आसमान। मुझे धरती पर रहने के लिए कोई मकान मिला नहीं क्या? पिताजी सुकून से रहने के लिए यह फ्लैट मिल गया, यही बड़ी बात है। पता है इसके लिए भी हमें 5 लाख रुपए प्रीमियम देना पड़ा है। ये प्रीमियम क्या होता है? ओह हो पिताजी, प्रीमियम हाई सोसाइटी का। मेरा मतलब है मिडिल क्लास सुपरस्टिकेटेड शब्द है, जिसे पहले ब्लैक कहते थे उसे अब प्रीमियम कहते हैं। लेकिन काले धंधे का नाम मतलब देने से बदल जाता। पिताजी आप भी बस रहेगा नहीं, देहाती के देहाती महानगर में भ्रष्टाचार का कुछ प्रतिशत अब नैतिकता में शामिल कर लिया गया। वाह बेटा, क्या नैतिकता है, मांसाहारी नैतिकता। आशीष बेटा दादाजी को गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे? आशीष ये तुम्हारे दादाजी है, आज ही गाँव से है, चलो इन्हें गुड मॉर्निंग बोलो। बेटा बड़े लोगों को राम राम करते हैं। नहीं नहीं, राम राम तो भगवान लोग कहते हैं, मम्मी कहती है बड़े लिखे लोगों को गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। अच्छा बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए गांव से क्या लाया हूँ। नहीं आशीष, चलो पहले मुंह हाथ धो, ब्रश करो, तब दूध पीना, कुछ तो अपने हाइजीन का ध्यान रखो। अभी बीमार पड़ गई तो हो गई 2 दिन की छुट्टी। वाह बहू, भला गुड़ खाने से कोई बीमार पड़ता है? अरे गुड़ तो सेहत के लिए अच्छा होता है और ये तो घर का बना एकदम शुद्ध देसी गुड़ है। वो ऐसी बात नहीं पिताजी, एक्चुअली आशीष अभी अभी बीमारी से उठे हैं तो डॉक्टर ने, आप एक काम करिए फ्रेश होके आ जाइए। सुप्रिया तुम भी किन बातों में लग गई, जाओ पिताजी के लिए 1 ग्लास गर्मा गर्म दूध लेके आओ। वो क्या है ना, पिताजी चाय और कॉफी नहीं पीते। पिताजी के लिए गर्मा गर्म दूध ले आओ, घर में सिर्फ 1 ग्लास दूध है, उसमें आपकी चाय, आशीष का दूध। अब मैं पिताजी के लिए दूध कहाँ से लाऊं? ऊपर से एक दूध वाला था 9 बजे से पहले तो आता ही नहीं है, रोज ऑफिस के लिए लेके आ देता है, कल तो बस ने अल्टीमेटम ही दे दिया। पिताजी आ गए हैं सब संभाल लेंगे। वैसे भी डॉक्टर ने आशीष की बीमारी का इलाज बताते हुए यही तो कहा था कि किसी किसी अपने व्यक्ति के प्यार और दुलार की जरूरत है, किसी बड़े बुजुर्ग का सहारा रहेगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब हमें आशीष की चिंता नहीं रहेगी। आजकल लाखों के दिमाग भी साथ में आसपास रहते हैं और ईमानदार अच्छा हुआ पिताजी को यहाँ ले आए, एक बूढ़े आदमी का खर्चा कितना होगा, उससे ज्यादा तो इस नौकर ले जाता है। और यही बात पिताजी की तो पड़े नहीं मिली किसी कोने में। ये कोई चिंता का विषय नहीं है क्या? क्या चिंता हो गई राजेश बेटा? कुछ नहीं पिताजी, वो आशीष का थोड़ा प्रॉब्लम है। वाह बहू, ये बच्चे पहले घर के उमंग होते थे, गर्म होते थे, घर का सुख होते थे, अब प्रॉब्लम हो गए। वाह ऋषि और तेरा ग्रहण सहन बच्चे बच्चे नाड़े पर एक समस्या बनकर रह गए। क्या भैया आज आधा घंटा लेट आए हो? क्या बताएं बीबी जी, हमारे गांव को पास में तो नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से दूध दे दो। अरे दूध है या पानी? अब शहर में तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। लगे हो काम के
बहुत बोलते हैं तुम। तो यार दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उसका क्या? अब घर में नॉन वेज नहीं बनेगा। सुप्रिया जल्दी करो, हमें भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बाय आशीष, ठीक है? आशीष बाय, मैं ग्रैंडपा को तंग नहीं करूंगा। बोल मैं, हाँ मैं ओल्ड मैन हूँ, बात करने का भी कोई तरीका होता है? पिताजी या बाबू जी बोल रहे थे उनकी जीत तो नहीं आई जाती, सर्विस क्या देगा? जैसे मैं उसके बाप का नापति और राजेश, जैसे मैं उसका पिता नहीं, घर और बच्चे संभालने वाला बस एक नौकर, ऊपर से ये पांचवे मंजिल, रोज रोज मैं कैसे चढ़ूंगा दूंगा, नहीं चढ़ूंगा तो जीवन कैसा कटेगा, जैसे कारावास में दिन काट रहा हूँ। चलो आशीष बेटा दूध पी लो। दादाजी मुझे दूध नहीं पीना है। दादाजी कहानी सुनाओ ना। ठीक है तो सुनो, एक था राजा, उसका बहुत बड़ा बाग था, उस बाग में बहुत सारे पेड़ फल फूल और तितलियां थी। राजा उन्हें देखकर खूब खुश होता था। फिर क्या हुआ? फिर राजा को एक दिन दूर देश जाना पड़ा, लोहे और कंक्रीट के देश, जहाँ कभी लोग मशीनें न पेड़ न फूल और न ही तितलियां थी। ऐसे माहौल में राजा का दर्द होने लगा था। ऐसा लग रहा था राजा को जैसे वो कोई डाकू पर आ गया। दादाजी दादाजी देखो गुब्बारे वाला आया है, मुझे गुब्बारे बहुत पसंद है, प्लीज ले दो ना दादाजी। ठीक है मैं अभी लाता हूँ। दादाजी प्लीज उठिए ना।
रिश्तों का ना होना इतनी तकलीफ नहीं देता जितना रिश्तों का होते हुए उसका एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। किसी में सच्ची कहा है कि बागों को जन्म देने वाला बागबान ये परिवार को जन्म देने वाला पिता दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेट से उसके साय से भी इतना प्यार करते हैं क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वह इस जिंदगी से थक जाएगा यही शायद उसके काम आएगा। लेकिन उसकी सारी आशाएं दुराशा में कब तब्दील होती है जब उसे यह महसूस होता है जो रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए जन्मे थे आज उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए किया जा रहा है। ऐसे रिश्ते जब टूटते हैं आवाज नहीं उठती, दर्द बहुत होता है, दर्द बहुत होता है। आज तो चल रही है।